हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा के विकास के बारे में जानकारी लेंगे। इसका हम लोग इसमें संक्षिप्त विवरण लेंगे। सबसे पहले, किसी भी भाषा के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक भाषा और एक लिपि। चलते हैं पहले भाषा किसे कहते हैं। विचारों को आदान प्रदान करने की जो अभिव्यक्ति होती है उसे हम लोग भाषा कहते हैं। हम लोग जो आपस में विचार आदान प्रदान करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, इसको हम लोग भाषा के रूप में जानते हैं। और दूसरा चीज होता है लिपि। इसी भाषा को जब हम लोग चिन्हित करते हैं तो इसको हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे आ आ, ये सब लिपि है। इसी तरह से इंग्लिश में भी आते हैं जिसमें ABCD है, ये सारी लिपियां हैं जिसके माध्यम से हम लोग अपनी भाषा को इंगित करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसका विकास कैसे, किन किन चरणों में हुआ है। तो हिंदी भाषा का विकास, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, वो भी कई चरणों से होकर के गुजरी है। वो कैसे कैसे गुजरी है, चलते हम लोग देखते हैं। हिंदी भाषा का विकास जो है वो संस्कृत से हुआ है। संस्कृत भाषा आगे चल करके पाली भाषा में विकसित हुआ। संस्कृत भाषा काफी कठिन थी, इसके बाद पाली भाषा आई जो कि थोड़ा आसान था। इस भाषा में हम लोग पाली भाषा में जो देखते हैं वो बौद्ध साहित्य का जो वर्णन होता है वो हम लोग पाली भाषा में देखते हैं। इसके बाद प्राकृत जैन साहित्य का वर्णन वो हमारे प्राकृत भाषा में आता है। प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं बौद्ध साहित्य किस भाषा में है, तो वो पाली भाषा में है। जैन साहित्य किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। इसके बाद फिर अपभ्रंश के बाद अभट, और इसके बाद हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ। हम लोग बात करें अभट की, तो ये अपभ्रंश और हिंदी के मध्य का जो समय है इसको हम लोग अभट के नाम से जानते हैं, या फिर संक्रांति काल के नाम से भी जानते हैं इसको। इस काल को हम लोग संक्रांति काल के भी नाम से जानते हैं, जिसके बारे में किसने बताया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश के कुछ प्रचलित रूप थे जिसमें सौरसेनी, मगधी, महाराष्ट्री इत्यादि आते हैं। ये इनके प्रचलित रूप थे वो अपभ्रंश भाषा के। भारत के संदर्भ में दो कुल की भाषाओं का प्रचलन देखा गया है, जिसमें एक आर्य कुल की भाषा है और दूसरी है हमारी द्रविड़ कुल की भाषा। आर्य कुल की भाषा में उत्तर भारत की जितनी भाषाएं हैं वो आर्य कुल की भाषाएं हैं, जिसमें हमारी हरियाणवी, मगधी, मराठी इत्यादि भाषाएं हैं, जिनका किस विकास है वो संस्कृत से हुआ है। अगर इसी जगह पे हम लोग दक्षिण भारत की बात करें या द्रविड़ कुल की बात करें, तो इस कुल की भाषा का विकास हमारे दक्षिण भारत में हुई है, जिसमें आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा देखा गया है। द्रविड़ कुल की भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है, और वहीं पे आर्य कुल की भाषा हमारी उत्तरी भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, हरियाणवी, मगधी, मराठी या जितनी भाषा देखते हैं उत्तर भारत की, वो सारी हमारी आर्य कुल की भाषाएं हैं, जिनका जो उद्गम है या जिनका जो आरंभ हुआ वो संस्कृत भाषा से हुआ है। आइए अब हम लोग भारत में बोली जाने वाली हिंदी की कुछ बोलियों की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले पश्चिमी हिंदी
जो है इसमें जो बोली है वो है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। इसी प्रकार से पूर्वी हिंदी जो है उसमें आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां शामिल है। इसी तरह से राजस्थान में राजस्थानी की जो बोलियां हैं वो है मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हड़ौती इत्यादि। इसके बाद बिहारी बोलियों में जो शामिल है उसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां शामिल हैं। इसी प्रकार से पहाड़ी में मणियाली, गढ़वाली और कमाऊनी बोलियां शामिल है। ब्रजभाषा को सूरदास जी ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। इसी तरह से अवधी भाषा को तुलसीदास जी ने और मैथिली भाषा को विद्यापति जी ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें एक एक करके आपको सभी टॉपिक पर वीडियो मिल जाएंगे। शुरुआत में अभी आपको हम लोग वर्ण विचार पर वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।